और अब सीधा रुख करेंगे जहां पीएम नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। के कारण लोग इस यात्रा में चल रही गाड़ी को मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में देखने लगे। पहले हफ्ते में जहां हर पंचायत में औसतन 300 से 400 लोग एकत्रित होते थे, वही अब हर पंचायत में 650 से 700 लोग शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि आपकी गारंटी पर जनता का कितना भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से अब यह यात्रा शहरी क्षेत्रों में भी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आपके परिवारजन शामिल होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले रहे हैं। 1960 के दशक में भारत ने कृषि क्रांति का एक दौर देखा। इसमें हमारी कृषि ने बैलगाड़ी से ट्रैक्टर तक का सफर तय किया। देश के किसानों ने हाइब्रिड बीज और केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू किया। भारत के इतिहास में इसे हरित क्रांति के तौर पर दर्ज किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश को तीसरी कृषि क्रांति की ओर आगे बढ़ाया है। इस यात्रा में कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग और आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे उर्वरक का आविष्कार देश को तीसरी कृषि क्रांति की ओर आगे बढ़ा रहा है। इस नई कृषि क्रांति में आपने महिलाओं को भी उचित हिस्सेदारी तय करते हुए नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ खुद किया। आज हम महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं, उन्हें ड्रोन उड़ाते हुए देखते हैं, तब हमारे अंदर से यह आवाज आती है, नमो ड्रोन दीदी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई जगह जाने का अवसर मिला है। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब बहु उम्मीद से यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जिन्हें पिछले 9.5 सालों में कोई न कोई लाभ मिला हो, ऐसे लोग मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। जब हम ये सुनते हैं तो हमें गौरव महसूस होता है कि मोदी सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में कैसा बदलाव लाती है। लोग गदगद होकर यह बताते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे बची, उनके जीवन में कैसे बदलाव आया या उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनी। कई जगह पर हमें ये भी देखा कि विविध योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिला है। कई गरीब परिवार के व्यक्ति की आयुष्मान भारत योजना की वजह से जान बची हूँ।